चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं स्क्रीनशॉट की। तो क्या होता है कि हम लोग मोबाइल में तो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ये पता होता है कि मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेते हैं। तो ये भी जानना जरूरी है कि हम कंप्यूटर पे भी, अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और एक नहीं कई तरह से हम ले सकते हैं। तो आज मैं बताऊंगा आपको कि स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा और स्क्रीनशॉट लेने से क्या फायदा होते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू में या यहाँ पे दिया है सर्च बार, आप यहाँ पे जब डेस्कटॉप खोलेंगे तो ऑल प्रोग्राम के नीचे सर्च बार दिया रहेगा, या विंडोज 10 में सर्च बार दिया रहता है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, स्निपिंग टूल, ये ऑप्शन देखिए, यहाँ पे स्निपिंग टूल ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और इसके बाद न्यू दिया है और मोड दिया है, तो आपको और कुछ नहीं करना है, इसमें मोड ऑप्शन पे जाना है। और यहाँ पे देखिए मोड में 4 ऑप्शंस हैं, फ्री फ्रॉम फॉर्म स्निप, रेक्टेंगुलर स्निप, विंडो स्निप और फुल स्क्रीन स्निप। तो आप जितना लेना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन हमें फुल स्क्रीन स्निप की जरूरत है, मतलब पूरे स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, फुल स्क्रीन स्निप पर क्लिक करना होगा। ठीक, तो ये देखिए, ये स्क्रीनशॉट लेके हमको दिखा रहा है कि हमारे कंप्यूटर के जो स्क्रीनशॉट है तो इस तरह से दिखाई दे रहा है। ठीक, जो स्क्रीनशॉट इसने लिया है, अब हम इसको अपने इच्छा अनुसार छोटा या बड़ा साइज नहीं कर सकते हैं, पर इसमें मॉडिफाई जरूर कर सकते हैं। यदि हम कुछ लिखना चाहें तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं चाहें तो, और नहीं चाहते हैं तो कोई मीन्स नहीं है लिखने का। ठीक, तो हमने क्या बताया कि कैसे ले सकते हैं, कि सर्च ऑप्शन पे जाना है और स्निपिंग टूल लिखना है ये, और स्निपिंग टूल ओपन होगा और मोड पे जाके फुल स्क्रीन स्निप करना है, तो ये स्क्रीनशॉट ले लेता है। इसके बाद हमको क्या करना, फाइल पे जाके सेव एज करना है, और सेव एज के बाद जहाँ पे भी आप रखना चाहें, जैसे मैंने डेस्कटॉप पे रखा और यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया ब्रिजटेक। ठीक, ब्रिजटेक नाम से हमने इसे सेव कर दी PNG फाइल फॉर्मेट में। मैं इसे कट कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे आ गया ब्रिजटेक नाम से ये फोल्डर। ठीक, और ये ओपन भी हो गया। ठीक, ये देखिए, तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, फोटोज को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये होता है दोस्तों, कि यदि हम ये तो फाइल बना ली, दूसरा MS वर्ड में अगर हम चाहते हैं कि स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे हम रखें। ठीक, तो सबसे पहले हमें MS वर्ड ओपन करना होगा, चाहे जो भी वर्जन हो आपका MS वर्ड का। ठीक, इसे हम हाइड कर देते हैं। ठीक, तो एक बटन होता है आपके कंप्यूटर, मतलब मोबाइल, यहाँ कीबोर्ड में विंडो के साथ प्रिंट स्क्रीन आप प्रेस कर दीजिए, तो प्रिंट स्क्रीन बटन होता है आपको इंसर्ट के बगल में होता है। ठीक, तो आप यहाँ पे जाके वो बटन प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड से। ठीक, फिर इसके बाद क्या करेंगे, Ctrl V से इसे पेस्ट कर लेंगे आप। तो जैसे ही आप Ctrl V से पेस्ट करते हैं तो ये देखिए स्क्रीनशॉट आ जाता है, और जितनी बार आप पेस्ट करते जाएंगे उतनी बार ये स्क्रीनशॉट आता जाएगा, उतनी बार पेस्ट होता जाएगा, आप जितनी बार चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और फिर इसके बाद आप इसे सेव कर सकते हैं, सेव एज कहीं भी कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे इस फोटोज को कहाँ पे रखना चाहते हैं। ठीक, और सेव कर दीजिए। ठीक, और दूसरी बात दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और हमारे चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो सबसे पहले हमारे ब्रिस्टिक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। धन्यवाद।